सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। कितने बाली भाइयों के हक, कितने बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। वाह क्या बात है। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। लेकिन राम के जीवन के जो आदर्श हैं, जब तक उसे हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने बच्चों में राम के संस्कार को नहीं डालेंगे, अपनी बच्चियों में सीता के संस्कार को नहीं डालेंगे, तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। नमस्कार, आज मैं एक बार पुनः मौजूद हूँ गायत्री परिवार हरिद्वार के प्रचारक और प्रकांड विद्वान पंडित श्रद्धेय श्री राम सुभग जी के साथ, और इनसे चर्चा करेंगे आज के युवाओं में सभ्यता की बहुत कमी दिख रही है। लोग रामचरितमानस पढ़ते तो बहुत कम हैं, लेकिन सीरियल में रामायण को जरूर देखते हैं। रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। कहा जाता है कि रामायण जो व्यक्ति पढ़ता है, रामायण जो व्यक्ति देखता है, उसे भाई के साथ भाई का, माँ के साथ पुत्र का, पुत्र के साथ पिता का, तमाम संबंधों को किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी मिलती है और जीवन मर्यादित हो जाता है। रामायण में मर्यादा कूट कूट के भरी है, तभी तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई थी। मेरे साथ पंडित जी आज मौजूद हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि आज युवाओं में मर्यादा समाप्त हो रही है। भाई से भाई उलझ जाता है, बेटा से बाप उलझ जाता है, माँ को बेटा कुछ बोल देता है, माँ बेटे को बोल देती है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका मेरे चैनल में। कल्याण हो आपका। आज मर्यादा समाप्त हो रही है, बाप बेटे से उलझ जाता है, बेटा बाप से उलझ जाता है, साधु के भेष में काल नेमी बन के लोग घूम रहे हैं। बड़े बड़े संतों को देखते हैं जो आज व्यभिचारी हो गए हैं। कथावाचक कुछ वैसे भी हैं जो व्यभिचारी हो गए, कथाओं को भेजते हैं। ऐसा सभी नहीं है, लेकिन रामायण सिर्फ कथा की विषय नहीं है, रामायण सिर्फ पढ़ने का भी विषय नहीं है। रामायण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरी है, और इसी के अभाव में ये सब हो रहा है। हम पाठ कर लेना ही समझ लेते हैं कि यही हमारा कर्तव्य है और इससे हमको बहुत पुण्य लाभ हो जाएगा, लेकिन राम के जीवन के जो आदर्श हैं, जब तक उसे हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने बच्चों में राम के संस्कार को नहीं डालेंगे, अपनी बच्चियों में सीता के संस्कार को नहीं डालेंगे, तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। आपके पास रामचरितमानस की कुछ रचना है पद में, उसको जरा सुनाएं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जो विचार हैं मानस के ऊपर, रामायण के ऊपर, ये मैं बतलाना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। स्वागत स्वागत। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। वाह क्या बात है। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी सुपर्णखाएं अपना नाटक दिखा रही है। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती है, भ्रमित हुई की तनी के कई पति के प्राण लिया करती है। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दें, इनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, कितनी प्रहितरत गिद्धों का यूं ही यहाँ मरण होता है। जाने कितने कालनेमी सुंदर बाने में छिपे हुए हैं, पर नारी को छलने कितने रावण जोगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प कुचलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। कितने बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं।
विजयदशमी के पर भारत में, विजयदशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर अब हम सबको चलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से सुन रहे थे कि राम के पद चिन्हों पर अगर मनुष्य चले, व्यक्ति चले, तो इतिहास बदल जाएगा। हाँ, पुनः एक बार पंडित जी से मिलने का शुभ अवसर हासिल हुआ और निकट भविष्य में तत्काल मैं इनसे मुलाकात करूंगा और इनकी कुछ नई रचनाओं के साथ आप लोगों के सम्मुख हाजिर होने का प्रयास करूंगा। आचार्य पंडित श्री राम सुभग जी महाराज के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय आप तमाम लोगों को आदाब, सलाम और प्रणाम।